गंगा का पानी बड़ा ही पवित्र। पवित्र पानी में कितना प्रदूषण। कितना पीने लायक गंगा का पानी। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक गंगा पर ग्राउंड रिपोर्ट कैसी है। गंगा गंगा नदी बड़ी ही पवित्र नदी है और इसका पानी इतना शुद्ध है कि बरसों तक आप घर में रखिए कभी खराब नहीं होगा। लेकिन क्या गंगा का पानी आज पहले जैसा पवित्र और शुद्ध बचा है। आज जागते रहो में इसी मुद्दे पर बात होगी कि कैसी है गंगा और उसकी वजह है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट जिसमें कानपुर से गुजर रही पवित्र गंगा की धारा पूरी तरह से अपवित्र हो चुकी है। इसका पानी पीने के लिए तो छोड़िए ये नहाने लायक भी नहीं बचा है। गंगा नदी की धारा का पानी इतना खराब स्थिति में है कि इसे फिल्टर भी नहीं किया जा सकता। कई जगहों पर यह पानी आचमन के लायक भी नहीं बचा है। गंगा नदी के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण इसमें गिरते नालों का जहरीला पानी है। आज जागते रहो में उत्तराखंड से लेकर यूपी से गुजरने वाले शहरों तक आपको गंगा पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर कैसी है गंगा और क्यों आप पवित्र हो रही है गंगा की जलधारा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनंत श्रीवास्तव। आज का मुद्दा हमारी आस्था से जुड़ा है, आज का मुद्दा हमारी पवित्रता से जुड़ा है। आज जागते रहो उसके लिए जिसे हम सब सनातनी माँ कहते हैं, जो यहाँ गंगा मैया, लेकिन गंगा माँ मैली हो रही है और हम सो रहे हैं। करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं कि गंगा का पानी शुद्ध रहे, लेकिन गंगा की पवित्र धारा अपवित्र हो चुकी है। गंगा गंगोत्री के गौमुख से निकलती है और यूपी के 28 शहरों से गुजरती है, लेकिन उत्तराखंड से निकलने के बाद मां गंगा की दयनीय स्थिति हो जाती है। पहले जागते रहो में उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से रिपोर्ट देखिए, वहां गंगा कैसी है। गंगा जुबान पर नाम आते ही पवित्रता का एहसास होता है, लेकिन माँ गंगा की धारा अब अपवित्र हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। पीने लायक तो छोड़िए, अब नहाने लायक तक नहीं है और ये कई शहरों का हाल है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में सामने आया है कि कानपुर में गंगा का पानी पीने लायक तक नहीं बचा है और उसकी वजह है नालों का दूषित पानी गंगा में गिरना। जागते रहो में हम आपको गौमुख से लेकर यूपी के मुख्य शहरों से गुजर रही गंगा पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। गंगा गौमुख से निकलती है और ऋषिकेश पहुंचती है। गंगोत्री में गंगा का पानी बिल्कुल शुद्ध है। पहाड़ों से निकलती हुई गंगा ऋषिकेश पहुंचती है। यहां क्या हालात है वो भी जान लीजिए। ऋषिकेश की बात करें तो त्रिवेणी घाट, जहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, फिर भी गंगा का जल आचमन और नहाने योग्य है। गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत गंगा नदी में जितने भी नाले जा रहे हैं उनको टैप किया जाना है। मैं इस समय त्रिवेणी घाट पर मौजूद हूं और यहां पर देख सकते हैं गंगा अपने बिल्कुल इस समय पानी साफ है, स्वच्छ है। यहां का पानी आचमन लायक भी है और यहां पर नहा भी सकते हैं। यहां से लेके हरिद्वार तक का पानी आचमन लायक है। अगर हम बात करें गंगा जो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसके तहत जगह जगह पर लगभग अगर इसी के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर 7 से 8 एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें गंदे नालों को रोका गया है और उसको फिल्टर करने के बाद ही उस पानी को जब टेस्टिंग होती है लैब में, उसके बाद ही उसको नदी में छोड़ा जाता है ताकि गंगा की निर्मलता और स्वच्छता बनी रहे। ऋषिकेश में गंगा की स्वच्छता निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत
ऋषिकेश के तपोवन से लेकर रायवाला के बीच में 8 एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं, जिसके तहत गंगा नदी में जाने वाले गंदे नालों को ट्रीटमेंट करके छोड़ा जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में लगभग 20 ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। शोधन उसमें किया जाता है, तत्पश्चात ही उसको जो है नदी में छोड़ा जाता है। तो इसके कई पैरामीटर्स हैं, जैसे 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे पीएच वैल्यू हमारी होती है जैसे 6.5 to 9 के बीच में रहनी चाहिए, और हमारे बीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जिसकी वैल्यू जो है 10 से नीचे हमारी जो है एफ्लुएंट की होनी चाहिए। और इसी प्रकार से हमारी जो एक सीओडी होती है, कार्बन सीओडी है, उसकी वैल्यूज भी हमारे कुछ नॉर्म्स हैं एनजीटी ने और एनएमसीजी ने फिक्स किए हुए हैं, उसके अंतर्गत ये रहते हैं। और टोटल नाइट्रोजन है, टीएसएस है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, और आपका जो है फीकल कॉलीफॉर्म वगैरह, इसके हम टेस्टिंग जो है करते रहते हैं। और इन सब पैरामीटर्स की टेस्टिंग के लिए हमारे पास इन हाउस लेबोरेटरीज भी हैं, जो कि हर एक एसटीपीज पे हैं, जिसकी हम लोग वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। समय समय पे जो है हमारा स्टेट की जो यूकेपीसीबी है, स्टेट का उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी समय समय पे इसकी टेस्टिंग्स करता है। ऐसे ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी समय समय पे टेस्टिंग होती रहती है। जब भी कोई पैरामीटर्स में अगर कहीं बाई चांस कोई, वैसे तो कोई डिवीशन होता नहीं है, बाई चांस डिवीशंस भी होते हैं, तो उसके करेक्शंस भी हम लोग करते रहते हैं। और जी उसके लिए हम अगर जो है उसको ठेकेदार को भी पेनलाइज कर देते हैं, अगर कहीं पे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। ऋषिकेश में गंगा का पानी फिलहाल तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन गंगा को मैला करने का खेल भी यहीं से शुरू हो जाता है। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु की तादाद काफी आती है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह गंदगी फैली रहती है, जो तमाम प्रयासों को पलीता लगा देती है। ऋषिकेश के बाद गंगा हरिद्वार पहुँचती है, जहाँ लाखों लोग स्नान के लिए पहुँचते हैं। यहाँ तक गंगा स्वच्छ नजर आती है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एसपी सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि उत्तराखंड में गंगा का जल पीने और नहाने योग्य है। उनके मुताबिक गंगा जल के 5 लेवल हैं, ए से लेकर ई तक। उत्तराखंड में अभी बी लेवल है, जिसको पीने और नहाने योग्य माना जाता है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर एसपी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गंगा जी की जो स्थिति है, गंगा जल की जो स्थिति है, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। सर, गंगा जी की जो पीएच लेवल है गंगा जल का, वो इस समय क्या है? गंगा का इस समय जो पीएच जो चल रहा है वो 6.5 से 8.5 के बीच में है। अच्छा, पीएच वैल्यू उसकी। और हमारे यहाँ जो गंगा का जो पानी है, गंगोत्री से लेके और हरिद्वार तक जो है वो बी कैटेगरी में है। बी कैटेगरी का पानी हमारा आचमन और नहाने के लिए अच्छा उत्तम माना जाता है। तो सर, इसमें किस किस तरह का जो पैरामीटर होता है वो कैसे देखते हैं आप लोग जो बी? हमारे यहाँ बी कैटेगरी में 5 पैरामीटर हम लोग देखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर फीकल कोलिफॉर्म हम लेते हैं, वो 500 से नीचे होना चाहिए, 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और हमारा पीएच की वैल्यू भी 6.5 से 8.5 के बीच में होनी चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन 6 से ऊपर होनी चाहिए, और बीओडी 2 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 2 से कम होनी चाहिए, ना तब वो पानी हमारा बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। अच्छा, तो अगर ए लेवल की बात करें तो उत्तराखंड में वो कहाँ मिलता है? वो ए लेवल तो हिमालय में ही मिलेगा, जिसमें किसी तरह की कोई भी डिस्चार्ज या कोई भी वाटर बॉडी उसमें ना मिल रही हो, वो पानी एक कैटेगरी का होगा। तो उत्तराखंड का जल जो है गंगा जल, वो पीने और नहाने दोनों लायक है? बिल्कुल, बी कैटेगरी का है, तो पीने और नहाने लायक दोनों लायक। उत्तराखंड में गंगा गंगोत्री से निकलते हुए हरिद्वार तक पहुंचती है, लेकिन यहां तक गंगा अभी स्वच्छ है। गंगा का पानी पीने लायक भी है और नहाने लायक भी है। हरिद्वार के बाद गंगा की एंट्री यूपी में हो जाती है, लेकिन वहाँ क्या हालात है आपको हम आगे दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।